अपने परिवारवाद भ्रष्टाचार को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए लोगों से मदद की उम्मीद लेकर गए थे। पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से विफल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोनेशन में, आपके साथ अभिजय सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जिस तरह से सोनिया गांधी से मिले हैं और विपक्ष को एकजुट करने के लिए, इसी पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं यह बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई भी विपक्ष एकजुट नहीं होगा। और इसी पर जब कल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे, इस पर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले हैं तो वो तमाम विपक्षी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। क्या कुछ कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पहले सुनिए उनकी बातों को। जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार के अपने परिवारवाद भ्रष्टाचार को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए लोगों से मदद की उम्मीद लेकर गए थे, कोई मुख्यमंत्री का नहीं आना, और जितने इनके स्वाभाविक स्वरूप में साथ देने वाले लोग हैं सभी भयभीत लोगों की जमात आज राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विरोध अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, बिहार को अराजकता में ढकेल कर पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाना चाहते हैं पूरी तरह से विफल रहे हैं। और जिनके कांग्रेस मुक्त भारत के पक्ष में जो आंदोलन लेकर के चले थे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर आज इनके नेता पाकिस्तान के बारे में भी क्या क्या बोल रहे हैं, किस हद तक गिरेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अब निर्णय करना होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से विजय कुमार सिन्हा लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं, और जिस तरह से कल तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर थे उसी पर आज विजय कुमार सिन्हा ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो तमाम विपक्षी दल एकजुट करने में लगे हुए हैं वो तमाम भ्रष्टाचारी लोग हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, कल लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनिया गांधी से भी मिले थे विपक्ष को एकजुट करने में, और उसके बाद जब मीडिया कर्मियों से भी बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हमारी सोनिया गांधी से बात हुई है, अभी कांग्रेस में बैठक हो रही है, कांग्रेस में अभी अपनी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव होना है, इसी को लेकर अभी सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी हमारी फिर से बात होगी।